नमस्कार, इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। आज टेनिस फैन लाउंज के मौके पर एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ हम रूबरू होंगे और उनकी बातचीत हम आप तक भी पहुंचाएंगे। तो नेशनल टेनिस चैंपियन प्रेरणा भामरी आज हमारे साथ जुड़ी हैं और आज इस मौके पर जहाँ फैंस इनके साथ रूबरू होंगे, एक वर्चुअल तरीके से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वो उनसे पूछते हैं, किस तरह से इनकी बातचीत रहती है, उसके बारे में आज हम इनसे बात करने वाले हैं। प्रेरणा जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। आज ये जो हम फैन के साथ एक जुड़ने का हमने तरीका यहाँ पर अपनाया है वर्चुअल तरीके से, आपको क्या लगता है किस हद तक ये कामयाब हो पाएगा, किस हद तक आप फैंस के जितने भी मन में सवाल हैं या जो भी वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं उसका जवाब दे पाएंगे इस एक माध्यम से? टेनिस फैन लाउंज के ज़रिए हम बहुत ही हम टेनिस फैंस तक पहुंच सकते हैं, टेनिस लवर्स तक पहुंच सकते हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लोगों तक पहुंचने का। जी बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये वर्चुअल तरीके से आज हम फैंस के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बीते वक्त पर ध्यान दें तो कोरोना की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हुआ करती थी वो एक वर्चुअल मोड पर आ गई है और उसी के ज़रिए आज उसी के नक्शे कदमों पर आप कह लीजिए चलते हुए हमने ये एक लाउंज रखा है जिससे कि फैंस की बातों का आप रिस्पॉन्ड कर सके, फिर वो भले जूम के ज़रिए हो या फिर सोशल मीडिया के हैंडल्स के ज़रिए हो। ऐसे में आप क्या मानती हैं आज के टाइम पर आफ्टर कोरोना ये जो सोशल मीडिया की अहमियत है हमारे जीवन में ये कितनी है? ये हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता था पहले कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना बड़ा योगदान होगा। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। जब हम आज के टाइम में कोविड की वजह से हम फिजिकली लोगों से मिल नहीं सकते, बट हम जूम के माध्यम से लोगों तक अपना विचार प्रदान कर सकते हैं। आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये बताना चाह रही थी कि आपके परिवार में सभी स्पोर्ट्स में हैं ये मैं जानती हूँ, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, एक ऐसी फैमिली से आप आती हैं जहाँ सब स्पोर्ट्स में हैं, किस तरह का एक कंपटीशन, एक प्रेशर कि आपको अपने सिबलिंग से कह लीजिए या अपने पेरेंट्स से एक कदम आगे बढ़ना है या थोड़ा अच्छा बेटर परफॉर्म करना है, एटलीस्ट उनके लेवल तक जाना है, इस तरह का कोई प्रेशर? सभी ने इतना अच्छा अचीव किया है लाइफ में, इतने बड़े मकाम तक पहुंचे हैं, बट ऐसा कभी मेरे को प्रेशर फील नहीं हुआ, बल्कि सबकी तरफ से बहुत ही सपोर्ट मिला है। मेरे यहाँ पहुंचने तक सभी का योगदान रहा है मेरी लाइफ में। ठीक है मैम, ऐसे में एस्पायरिंग जो हमारे प्लेयर्स हैं जो टेनिस के अंदर जाना चाहते हैं या अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स वगैरह? सिर्फ अपना हार्डवर्क करते रहें, स्ट्रेस ना लें, किसी बात का प्रेशर ना लें और जो वो परस्यू करना चाहते हैं उसकी तरफ वो बस मेहनत करते रहें। मैं आपकी स्किन में देख सकती हूँ बहुत ही क्लियर है और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपने मेकअप नहीं किया है। एक हेल्दी ईटिंग का कितना महत्व है जीवन में? हेल्दी ईटिंग बहुत ही ज़रूरी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं बट जनरल सभी के लिए लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस्ड वेल बैलेंस्ड डाइट खाएँ। तो ये थी हमारे साथ नेशनल टेनिस चैंपियन प्रेरणा, जिनसे हमने काफ़ी प्रेरणा भरे संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और लगातार इसी तरह की बातें सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत, इंडिया न्यूज़।